एवरीवन, वेलकम टू फिट फैशन ब्लॉग्स। एक्चुअली आज आप देख रहे होंगे मैं कहाँ पर रह रही हूँ, बिकॉज किचन में आप सबको दिख रहा हूँ ना, आई मीन किचन। सो आज मैं किचन में क्यों रह रही हूँ, बिकॉज आज मेरा किचन का पूरा क्लीनिंग हो रहा है, बिकॉज इतने दिन मेरा शेड्यूल बहुत ही बिजी था। तो आज किचन को क्लीन एंड नीट चमकाना चाह रही हूँ, ओके। सो आज मेरे साथ साथ मेरा डे रूटीन बताऊंगी, किचन के क्लीनिंग के साथ साथ मैं फूड बनाऊंगी, लंच प्रिपेयर करूंगी ना वो भी बताऊंगी, ओके। मेरा किचन क्लीनिंग कैसा है आपको बताऊंगी, आप भी किचन कैसा क्लीन करते हो, कैसा मतलब वीकली वंस, 15 डेज को वंस, नहीं तो मंथली वंस क्लीन करते हो, प्लीज़ एक कॉमेंट करके बता दीजिए, ओके। किचन क्लीन करते करते आपको मैं बहुत सारे टिप्स भी बता दूंगी, मे बी आपको यूज़ भी होंगे। देन स्टार्ट विद द किचन क्लीन। क्लीन करने स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं भूलना है, बिकॉज चैनल को सपोर्ट करना है। आपको ये क्लीनिंग वीडियो अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लीजिए, टिप्स आप यूज़ कर लीजिए। चलो लेट्स स्टेपर परचेज फ्रॉम आइकिया। सो किचन क्लीन करने के लिए बहुत ही, नॉट ओनली किचन, कहाँ भी ऊपर चढ़ना है तो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी यूजफुल, बिकॉज मुझे वहाँ पर चढ़ के पूरा क्लीन करना है। सो दिस इज़ अ बेस्ट सॉल्यूशन एंड मैं क्लीनिंग के लिए बहुत ही यूज़ करती हूँ। तो दिस वन, दिस इज़ अ वाटर एंड हाफ वेनेगर, बेस्ट क्लीनिंग हाइजीन रहेगा, कुछ स्मेल कुछ भी नहीं आएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। चलो स्टार्ट विद दैट एंड लेट्स गो, वो क्लीनिंग स्टार्ट कर देंगे। बहुत अच्छा रहेगा एंड ड्राई भी बहुत इजी रहेगा, ओके। बिकॉज कभी भी हम ये बॉटल्स एंड एवरीथिंग स्टोर करते तो नीचे का ये पैच शेल्फ को खराब कर देता है, वहाँ पर अच्छा रहना, बाजू में पूरा डस्टी एंड खराब हो जाना। एंड यूज दिस मैट्स, इट्स रियली वेरी गुड, आइकिया में मिल जाएगा आपको, दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। फर्दर टिप्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं बहुत सारे टिप्स बताऊंगी, बहुत अच्छा आपको इजी टू क्लीनिंग भी बता दूंगी, ओके। सो विल आपको वॉश दिस एंड वॉश करके इसको सोप करेंगे, ओके। वन एंड हाफ मंथ, मोर देन टू मंथ, अगर नहीं यूज़ करते तो प्लीज उसको निकालिए, एक तो केस बच जाएगा, दूसरी बात चीज़ें खराब है तो पूरा खराब होने के बाद निकालेंगे, फेंकेंगे, मे बी कभी हमारे कभी भी चीज़ें खराब हो, मतलब टू मंथ हो गया तो ऑब्वियसली हम यूज़ नहीं कर रहे तो स्मेल आएगा, राइट। सो उससे भी अच्छा स्मेल आ गए, फिर भी क्या करते हैं, हम उसमें यूज़ है बाहर हमारे लिखा है कि हम कुछ उससे भी बीमारी आना चाहिए, तो प्लीज देखिए राइट, वन एंड हाफ मंथ टू मंथ से ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं कर रहे तो वैसे निकाल दीजिए। मैं विम जेल थोड़ा वेनेगर एंड सम वाटर यूज़ करके मैं क्लीन कर रही हूँ, सीरियस इतना नहीं हो रहा, राइट। के रख दी, आप थोड़े देर और उनको छोड़ देंगे पूरा ड्राई होने तक, वी कैन गो समवेयर। अब ये पूरा क्लीन कर लेंगे, एक्चुअली मैं ये ग्लास का है ना, सो एवरी वीक क्लीन करती हूँ, सो ज़्यादा तो नहीं रहेगा, सी डस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट मेरा DIY यूज़ करके क्विकली ये पूरा क्लीन कर लेंगे, उसके बाद में वो शेल्फ पूरा सेट कर लेंगे। सो वी कैन स्टार्ट विद दिस, कभी भी कर रहे तो लाइक इसके ऊपर डस्ट रहेगा ना, सो टिशू के साथ क्लीन कर लेना है डस्ट को, बिकॉज मैं बोले थे ना आई एम यूजिंग वेनेगर वाटर, सो उसमें थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ विम जेल डालती हूं मैं कभी भी, ओके। अब देखिए ग्लास देख लीजिए, आपके DIY में बताती हूं, ओके दिस इज माय DIY स्प्रे, ओके। अब हम क्लीन कर लेंगे सीरियस, और सोचना कितना नीट हो रहा है। आपको इसके ऊपर कुछ मार्क्स है, मतलब ग्लासेस लगाते हैं हम, डिनर सेट्स लगाते हैं, समथिंग कुछ भी लगाते हैं, वाटर स्टेन्स आ जाएगा तो वो भी रिमूव हो जाएंगे इसकी वजह से, पर अभी ट्राई करके उसके बाद में मुझे बता दीजिए आपको कैसा लगा सीरियस। फर्स्ट मैं इसे स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज आपको मालूम है मैं बहुत ही, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ही फिटनेस फ्रीक है, सो हर चीज़ हम नाप के ही खाते हैं, सो दिस वन बिकॉज यू से दिस कितना नीट रहेगा, आई रेगुलरली यूज दिस क्लीनिंग सॉल्यूशन। ओके
ओके सर, कितना नीट एंड क्लीन हो गया, ऑलमोस्ट मैं नीट ही रखती हूँ, मेरा घर में आपको कचरा नहीं दिखेगा। सो फिर भी वीकली वंस क्लीन करना, दैट इज़ माई हॉबी। सो आज मेरे साथ साथ आप लोगों को भी मैं इन्वाइट कर रही हूँ मेरा क्लीनिंग सेक्शन। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। ड्राई फ्रूट्स, बिकॉज वीकली वंस मैं क्लीन करती हूँ हर चीज़ पूरे इसमें से रिमूव करके, पूरा वॉश करके एंड 2-3 आवर्स उसको सनलाइट में ड्राई करने के बाद मैं करती हूँ। सो एक वीक जस्ट जनरली ऊपर से ऐसा क्लीन कर दूँगी एंड नेक्स्ट वीक आके पूरा डीप क्लीन करेंगे। डीप क्लीन करने का वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी पूरा डीप क्लीन का। सो और डीप क्लीन का वीडियो भी आप देखना चाह रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के बाद बेल आइकॉन को भी एक्टिवेट कर लीजिए, तब मेरा हर एक नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। चलो जल्दी जल्दी काम करेंगे। सी दिस, कितना नीट हो गया। जस्ट टेक 2 टेबलस्पून ऑफ विनीगर, उसमें थोड़ा सा पानी फॉर डाइल्यूटिंग, उसके बाद में थोड़े से विम का ड्रॉप्स, विम जल रहता है ना उसका एक 6-7 ड्रॉप्स, इधर 1 स्पून सोच लीजिए। देखिए कितना नीट हो गया, एक मार्क नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, बहुत ही डीप क्लीन है। मुझे हर चीज़ ऑर्गेनाइज रखना अच्छा दिखता है, सो आई ऑलवेज प्रेफर ऑर्गेनाइज करके रखना चीज़ें, बहुत ही सेट करके रखना मुझे अच्छा दिखता है। एंड कभी भी आप भी देखिए आपका किचन को ऐसा ऑर्गेनाइज करके रख लीजिए, कुकिंग करने में इंटरेस्ट आएगा, रेगुलरली क्लीनिंग करने में इंटरेस्ट आएगा, इट्स के मोर इंटरेस्ट। ओके क्लीन कर लेंगे, डन। पहले पूरा रिमूव कर देती हूँ मैं, कैटल लगने देती। और एक टिप बताऊँगी, कैटल कभी भी आप क्लीन करते हो ना, कैटल में थोड़ा वाटर गरम करके उसमें थोड़ा सा विनीगर डाल के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, आपका कैटल बहुत ही नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अब यह पूरा क्लीन करती हूँ। एक्चुअली इफ यू सी है आपको कुछ डस्ट कचरा तो नहीं दिखेगा, बिकॉज मैं नहीं करती हूँ। चलो दिस इज माई कॉफी मशीन, चलो क्लीनिंग स्टार्ट कर लेंगे। ये पूरा डीप क्लीन हो गया। एक्चुअली बीच में आपको नहीं बता सके बिकॉज इमरजेंसी कॉल्स आ रहे थे, थोड़े मुझे बात करना था, उसके बाद मेरे पहचान वाले आ गए तो लोगों के साथ थोड़ा चिट चैट करते हुए टाइम हो गया। यू कैन सी कंप्लीट डीप क्लीन, एक एक कोना आपको बताए ना मैं DIY यूज़ करते हुए कितना क्लीन हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मत भूलिए। आपको मेरा डीप क्लीन का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ एक कमेंट करके बता दीजिए। आपको नेक्स्ट टाइम मेरा होम टूर बताऊँगी, होम डीप क्लीन बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।